हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में। मैं आज बनाऊंगी हांडी पनीर कोरमे की रेसिपी एंड आई होप आपको ये हांडी पनीर कोरमा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हांडी पनीर कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और अब मैं यहाँ पे पनीर को फ्राई करूँगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पनीर को फ्राई करेंगे। अगर आपने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया तो पनीर जो है एकदम मेल्ट हो जाएगा और ये अच्छे से फ्राई भी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पनीर को फ्राई करें। फ्राई करने का ये प्रोसेस है कि पहले आप इसको ऐड कर दें, इसके बाद एक से दो से तीन मिनट के बाद आप इसको पलटेंगे तो एकदम इसका जो कलर है वो एकदम अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी सुनहरा सुनहरा सा कलर आ जाएगा। और अब यहाँ पे दो से तीन मिनट हो गए हैं और मैं सारे पनीर के पीसीस को पलट दूंगी। और आप देख सकते हैं पनीर के पीसीस को मैंने यहाँ पर पलट दिया है और पनीर पे एकदम ब्राउन ब्राउन स्पॉट आ गए हैं। पनीर बहुत ही अच्छे से एकदम क्रिस्पी फ्राई हो गया है और ऐसे ही मुझे पनीर को फ्राई करना था तो मैंने सारे पनीर को ऐसे ही फ्राई कर लिया है और अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी पनीर को फ्राई कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे पीसेस को निकाल लिया है और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे लिए हांडी और अब मैं यहाँ पे हांडी को पहले मैंने लो फ्लेम पे गरम कर लिया है और अब मैं इसके अंदर यहाँ पे ऐड करूँगी ऑयल। तो मैं 1.5 टेबल स्पून भर के यहाँ पर ऑयल ऐड करूँगी। पहले यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। इसके बाद मैं 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और ज़ीरे को भी अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे। तो देखिए ज़ीरा अच्छे से फ्राई हो रहा है यहाँ पे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से पका लेना है यहाँ पे। तो इसको भी मिक्स कर दे रही हूँ। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर हांडी में खाना बना रहे हो तो आप यहाँ पे लकड़ी के चम्मच का यूज़ करें। लकड़ी के चम्मच से जो है आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और अब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी काफ़ी अच्छे से पक गया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने ताकि जो मसाले हैं पाउडर्ड मसाले हैं वो जले नहीं। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 पिंच बहुत ही कम मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया, यानी एक चुटकी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मैंने यहाँ पे साबुत गरम मसालों का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो साबुत गरम मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास होममेड गरम मसाला पाउडर है। और मैंने यहाँ पे लगभग में सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, इनको अच्छे से पकाना है। साथ साथ ही मैं यहाँ पे फ्राइड अनियन भी ऐड करूँगी जो मैंने यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे अच्छे से फ्राई करके अनियन को ऐड करें, इसको भी मिक्स कर दे रहे हैं। पानी मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है ताकि जो मैंने यहाँ पर प्याज ऐड की है वो अच्छे से मसालों में ऐड हो जाए। तो अब इसे ढक के पकाएंगे। और अब मैं यहाँ पे फ्राई किया हुआ पनीर ऐड करूंगी। पनीर को भी हांडी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हमारा पनीर तो एकदम बन के रेडी हो गया है।
बस स्लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और अब यहाँ पे बस इसको एक बार हमें अच्छे से मिक्स करना है। और गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको सर्व करूँगी। हांडी पनीर कोरमा लगभग में बन के रेडी हो गया है और ये बहुत ज़्यादा यम्मी बना है, बहुत टेस्टी बना है। और आप भी घर पे आसानी से हांडी पनीर कोरमा बना सकते हैं। और मैं इसको मिट्टी की हांडी में यानी मिट्टी के एक डोंगे में यानी बर्तन में सर्व कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।